बागेश्वर सरकार द्वारा होने वाली कथा आयोजन के नाम पर अवैध चंदे की उगाही करते दो युवकों को पुलिस ने टीला गांव से किया गिरफ्तार। कल शाम 4:30 बजे के लगभग थाना करेला पुलिस को सूचना मिली कि 3-4 युवक इलेक्ट्रिक टमटम वाहन में सवार होकर प्रतिदिन अलग अलग गांव में बागेश्वर धाम सरकार की कथा के नाम पर चंदा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले करेरा के नया अमूला, दुल्हाई और दतिया के हतले गांव में भी चंदा मांगने पहुंचे थे। करेरा में बगीचा वाली मैया मंदिर पर दिसंबर माह में आयोजित होने वाले बागेश्वर सरकार कथा के नाम पर लोगों से अवैध रूप से रुपए, गेहूं इत्यादि मांग रहे थे। बगीचा वाली मैया के भक्त उपदेश बोहरे ने पुलिस को सूचना दी। तुरंत सूचना मिलते ही करेरा पुलिस टीम तत्काल रवाना हुई और टीला गाँव की छोटी माता मंदिर वाले रास्ते में मैया के भक्त और ग्रामीणों ने इनको पकड़ कर रखा था। पुलिस ने इन युवकों से कथा आयोजन के नाम पर फर्जी चंदा ले रहे इलेक्ट्रिक टमटम में सवार दोनों युवकों के नाम पूछे तो उन्होंने अपना नाम कल्ला पुत्र रमेश सोनी और अमन खान पुत्र फरीद खान निवासी करेरा होना बताया। इन दोनों को पकड़ कर थाने ले आई पुलिस। दोनों युवकों ने स्वीकार किया कि वो नशे की लत के चलते चंदे का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार गत जनवरी में भी करेरा बगीचा मंदिर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के नाम में भी इन आरोपियों ने चंदे के नाम पर 19 क्विंटल गेहूं इकट्ठा किया था। इसके बाद उसे बेच दिया था। आवेदक उपदेश भोरे की शिकायत पर उक्त दोनों युवकों पर BSNL अंतर्गत 170 की कार्रवाई कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्ला सोनी। हमारा तो नहीं मारा बहुत वेरेंट मारो सर लट्टन से। तेरे को मारा? देख तो लियो तुम खुद देख रहा है। देखो तो ये काम करने किसने बोली थी? गलती हो गई वही तो गलती हुई तुम गोली गलवा दे चाहे लेकिन मारा नहीं करा। चलो ठीक है कोई नहीं मारा यार।